यार हमारे पास ना टाइम बहुत कम है यार, हमारे पास पैसे नहीं है। अब इस लॉकडाउन में ये दोनों चीजों का बहाना नहीं चले, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जिन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वो एकदम फ्री है और टाइम तो हमारे पास है ही। अगर इसके बाद भी हम इस फ्री टाइम में कुछ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम रिसोर्सेज में नहीं, हमारे एटीट्यूड में है। आई होप एटलीस्ट कोई गीगलर इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो देखते हैं कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। कोर्सेज तो बहुत हैं, बहुत से फ्लेवर्स हैं, लेकिन प्लीज शुरू एक या मैक्सिमम दो कोर्सेज से ही कीजिएगा। अगर हम सब कोर्सेज एक साथ शुरू कर देंगे तो कंप्लीट कुछ नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन। तो इससे पहले कि हम कोई कोर्स करें, हमें ये कोर्स करना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज को सीखते कैसे हैं। एग्जैक्टली इसके लिए भी हमारे पास एक कोर्स है जो कि बारबरा ओकली ने दिया था, जिसका नाम है लर्निंग हाउ टू लर्न। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कोर्स जो पढ़ा रहा है वो खुद कौन है। तो बारबरा ओकली एक अमेरिकन है और इंजीनियरिंग प्रोफेसर है ओकलैंड यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने बहुत सी फेमस बुक्स लिखी है जैसे कि अ माइंड फॉर नंबर्स और लर्निंग हाउ टू लर्न एक्सेट्रा। इनका फ्री कोर्स अवेलेबल है कोर्सेरा की वेबसाइट में, और अगर हमें सर्टिफिकेशन चाहिए तो हम इन्हें पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल आता है कि इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे। ओके, तो ये कोर्स हमें ऐसी टेक्निक सिखाएगा जिससे हम जल्दी चीजों को सीख सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, म्यूजिक हो या फिर आर्ट्स हो। ह्यूमन माइंड सीखता कैसे है उसकी प्रॉपर रिसर्च करके ही ये कोर्स बनाया गया है। कब हमें ब्रेक लेनी चाहिए, हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं यानी टालते क्यों हैं, उससे कैसे बचें। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि कई बार हमें लगता है कि हमने कुछ सीख लिया है जबकि हमारे माइंड ने उस चीज को नहीं सीखा होता, तो इस इल्यूजन से कैसे बचें। और इसमें टेस्ला जैसे साइंटिस्ट की लर्निंग टेक्निक्स की भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो इनकी बुक पढ़ने के बजाय हम इनके कोर्स से ये सीख सकते हैं कि हम कोई भी चीज कैसे सीखें। तो नेक्स्ट कोर्स आता है ड्रॉप शिपिंग का। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि आपके पास बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है और आप एक वेबसाइट बनाते हो जहां पर आप सामान बेचते हो। जब आपको कोई ऑर्डर आता है तभी आप भी वही चीज किसी और वेबसाइट में सस्ते दाम पर ऑर्डर करते हो और अपने कस्टमर के एड्रेस में भिजवा देते हो। इसमें आप कोई इन्वेंट्री नहीं स्टोर करते, ना ही इसमें ज्यादा रिस्क है। आपका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है या वेबसाइट पे किया हुआ खर्चा है। ड्रॉप शिपिंग के वैसे बहुत ऑनलाइन गुरुज हैं और उनके कोर्सेज भी हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है क्योंकि YouTube में ही इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल है। अब क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो बुक्स हों, ऑडियो प्रोग्राम्स हों या कोर्सेज हों, तो मैंने काफी पहले एक ड्रॉप शिपिंग का कोर्स किया था जो कि गैब्रियल जर्मेन का था, जिसका नाम था ब्लूप्रिंट। अब इस कोर्स के लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली $347 यानी 26,000 के करीबन खर्च किए थे। अब ये कोर्स फ्री तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी न्यूबी को ये कोर्स करने की जरूरत भी है, क्योंकि गैब्रियल का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 28 वीडियो है और ये काफी है किसी को भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करवाने के लिए। कोर्स में भी इसका कंटेंट 60% सेम ही है। इसके बाद तो सिर्फ एग्जीक्यूशन स्किल चाहिए और थोड़ी सी रिस्क टेकिंग और गट्स कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं। और एक और बात, अगर ड्रॉप शिपिंग आप डिसाइड करते हो कि आपने करना है, तो मेरे ओपिनियन में इंडिया से बेटर है कि हम फॉरनर्स को ही सामान बेचें, टॉप कंट्रीज जैसे कि US, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इसके दो फायदे हैं। फायदा नंबर ये है कि फॉरनर्स की जो स्पेंडिंग लिमिट है वो ज्यादा है, प्लस ये ज्यादा सोचते नहीं है शॉपिंग करते वक्त। हम इंडियंस बहुत ही एनालाइज करते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, इसलिए यहाँ पर रिफंड्स भी ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट भी कम होता है। दूसरा, अगर आप कंट्री वाइज सोचो तो भी इंडिया को फायदा है कि हम चाइना का सामान दूसरी कंट्रीज को बेच रहे हैं और सारा प्रॉफिट इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो अब सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल सोचो। नेक्स्ट कोर्स आता है स्टार्टअप इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें एक स्टार्टअप कैसे खोलना है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स दो लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। अब कई लोगों को लगता है कि यार इसमें तो प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे जिन्हें खुद रियल बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमें रियल बिजनेसमैन भी एजुकेट करेंगे, जैसे कि रेड बस के फाउंडर फनेंद्र सना, जीवामे की फाउंडर रिचा कर, मेक माई ट्रिप के फाउंडर दीप कालरा, ओला कैब्स के फाउंडर भवीश अग्रवाल एंड मैनी मोर। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि इस कोर्स में हमें क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आइडिया वैलिडेशन सिखाया जाएगा कि अगर हमारे पास कोई आइडिया अवेलेबल है तो उसे हम रियल मार्केट में कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कि इसके लिए एक्चुअल में कस्टमर्स अवेलेबल हैं भी या नहीं। नेक्स्ट हमें फिनेंस और प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हमें बताया जाएगा कि कंपनी को रजिस्टर कैसे करते हैं, बिजनेस कंप्लायंसेस क्या हैं, पेटेंट्स, बिजनेस प्लानिंग कैसे करते हैं एक्सेट्रा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस के लिए, क्योंकि कई लोग इसे सीरियसली नहीं लेते और जब वो ग्रो करते हैं तो लीगल कंप्लायंसेस की वजह से बहुत दिक्कतें सहन करनी पड़ती हैं। और फाइनली इस कोर्स में ये भी बताया जाएगा कि फंडिंग कैसे लाएं, इन्वेस्टर्स को कैसे पिच करें, कैसे उन्हें अपने आइडिया के लिए कन्विंस करें
तो अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो ये एक मस्ट कोर्स है। नेक्स्ट कोर्सेज आते हैं जो हार्वर्ड फ्री में दे रहा है। अगर हम ऑनलाइन learning.harvard.edu में जाते हैं तो इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से भी हम काफी कोर्सेज फ्री में सीख सकते हैं। पहले जिन कोर्सेज की फीस 1.5 लाख 2 लाख तक होती थी, आजकल वही कोर्सेज हमें फ्री में मिल रहे हैं। बस हमें तभी पे करना पड़ेगा अगर हमें सर्टिफिकेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नॉलेज से ज्यादा मतलब है ना कि सर्टिफिकेट से। ऑल्दो हार्वर्ड का सर्टिफिकेट इंटरव्यूज में वैल्यूएबल हो सकता है। एनीवेज, ये कोर्सेज 11 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे कि डेटा साइंस, टीचिंग, प्रोग्रामिंग, बिजनेस, हेल्थ एंड साइंस एक्सेट्रा। और हम इनमें से जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं उनमें से हम ये कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। हम कोर्सेज को फिल्टर कर सकते हैं उनके प्राइस के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली जिसमें हमें फ्री ही सिलेक्ट करना है। हम डिफिकल्टी लेवल, टॉपिक और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी इन कोर्सेज को फिल्टर कर सकते हैं। ये नॉलेज एक्चुअल में हमारे बहुत काम आ सकती है। हो सकता है इसके बेसिस पर कल को कोई हम यूट्यूब चैनल ही खोल दें या फिर ब्लॉगर बन जाए, क्योंकि हमारे पास एक एवरेज आदमी के कंपैरेटिवली ज्यादा नॉलेज होगी। नेक्स्ट आता है रीड बुक्स। बहुत सक्सेसफुल लोगों की फिलॉसफी होती है कि फर्स्ट डिग ब्रॉड एंड देन डिग डीप, यानी पहले काफी सारे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज ले लो, और जब ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक पसंद है और इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे हाई इनकम मिल सकती है, तो उस टॉपिक के बारे में टॉप 10 एक्सपर्ट्स की टॉप 10 बुक्स पढ़ो और उसके बाद एग्जीक्यूशन में लग जाओ। ये टॉप 10 बुक्स ही एक कोर्स की तरह एक्ट करेगी, और ये कोर्स हमने खुद डिजाइन किया हो। अगर हम बुक समरीज हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हम गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 150 से ज्यादा फ्री बुक समरीज अवेलेबल हैं। अगर आपको फ्री समरीज का कंटेंट अच्छा लगता है और आप ज्यादा समरीज सुनना चाहते हैं, तो लॉकडाउन पीरियड में यानी 3 मई 2020 तक सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, जिसे यूज करके हम 100 रुपीज सेव कर सकते हैं। तो 100 रुपीज सेव करने के लिए हम सेव 100 प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मशीन लर्निंग। अब कई लोगों को ये हाईटेक ही लगेगा क्योंकि ये कंपैरेटिवली नई फील्ड है, लेकिन इससे पहले कि ये नॉर्मल C++, जावा या पाइथन की प्रोग्रामिंग की तरह कॉमन हो जाए और सब लोग इसकी तरफ ही भागने लग जाए, अगर हमें मशीन लर्निंग के बेसिक्स पता होंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकती है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो कोर्सेरा में बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं मशीन लर्निंग के बारे में, जिसे आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब जिस भी किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बोलो तो लोग बोलते हैं कि यार इतना लॉन्ग टर्म कौन सोचे, या मैक्सिमम प्लानिंग जो हम कर सकते हैं वो RD या FD तक ही सीमित है। और हमारी फिलॉसफी यही होती है कि बस ज्यादा पैसे कमाओ और बैंक में सेव कर दो, और हम अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ अपनी सैलरी या इनकम को इंक्रीज करने में लगा देते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप कोई ढंग का फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स करते हो तो सबसे पहले आपके मन में यही आएगा, यार काश ये मेरे पेरेंट्स को पता होता तो हमारे पास इतने ज्यादा पैसे होते आज। बस मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि ये कोर्स मस्ट है। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा था, इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज हाउ मच मनी यू कीप। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, ना कि कितने पैसे हम कमाते हैं। और हम सब कमाने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि हम अपने पैसे कहाँ कहाँ रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म यानी 10-20 साल के लिए हम पैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, 5-10 साल के लिए हमें पैसे कहाँ रखने चाहिए एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में देखा जो हम फ्री टाइम में कर सकते हैं। इनमें से हर एक कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी स्किल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है। इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम सीखते कैसे हैं, जिसके लिए हमने बारबरा ओकली का फ्री कोर्स देखा था कोर्सेरा में, जिसका नाम है लर्निंग हाउ टू लर्न। इस कोर्स में काफी अच्छी टेक्निक्स दी गई हैं, जिससे हम किसी भी स्किल को जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स में हमने बात की थी ड्रॉप शिपिंग की, जिसमें हमने बोला था कि गैब्रियल जर्मेन की बस यूट्यूब की 28 वीडियोस देख लो, ये काफी है। उसके बाद अपने पैसे किसी कोर्स में नहीं बल्कि एक्चुअल में एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्रिएट करने में यूज करो। अगर एक्चुअल में आप सिंगल माइंडेडली एक महीना इस स्किल में लगा देते हो तो ये एक हाई इनकम स्किल है, जिससे काफी लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट हमने बात की थी बुक्स की। मेरे ओपिनियन में हमें हर वक्त अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और ग्रेट आइडिया से स्टिमुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने ब्रेन में गार्बेज डालेंगे तो बाहर भी गार्बेज ही आएगा, ना कि आइडियाज। इसीलिए जो लोग हिंदी में बुक समरी में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग गीगल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पहले 100 लोगों को लॉकडाउन पीरियड में यानी 3 मई 2020 तक 100 रुपीज का डिस्काउंट मिले, जिसके लिए हम सेव 100 प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी मशीन लर्निंग की, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम इस फील्ड से रिलेटेड बेसिक कोर्स भी कर लेते हैं तो हमें आगे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, और शायद इससे हमें कोई अच्छा आइडिया आ जाए जिससे हमारे नए बिजनेस की शुरुआत हो जाए। नेक्स्ट हमने बात करी थी फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब हम चाहे किसी भी सोर्स से
हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हो, अगर हमें ये नहीं पता कि उन पैसों का करना क्या है तो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे कमाए, इवन कि कौन बनेगा करोड़पति में कई विनर्स हैं, लेकिन बाद में सब पैसे चले गए और इन्हें ये नहीं पता कि वो पैसे कहाँ गए। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि इनमें से मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आती थी। तो दोस्तों, आई होप इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम फायदा लेंगे और इन कोर्सेज में एट ए टाइम एक या दो मैक्सिमम कोर्सेज सिलेक्ट करेंगे। अगर एक साथ हम ज्यादा कोर्सेज करने की कोशिश करते हैं तो हमसे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।